press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. समस्तीपुर जिले के पुलिस अधीक्षक के पहल पर एक साइबर क्राइमर की हुई गिरफ्तारी। बता दें कि 3 जनवरी 2020 को एक अभियुक्त के द्वारा अपने जियो मोबाइल सेट से फेसबुक पर धर्म विशेष के विरोध में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिया था, जिसके कारण दूसरे समुदाय विशेष के लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुँची। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 5/20 दिनांक 3 जनवरी 2020 धारा 153A, 295A, 34/0/0V/0 एवं 66F(I)C(2)I(0T)01/2000 दर्ज किया गया। वही समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष नगर Q00N0 विलास प्रसाद सिंह, Q00N0 नरेंद्र कुमार सिंह, सिपाही गणेश कुमार, सिपाही चंदन कुमार, हवलदार सुबोध यादव को टीम में शामिल किया गया। वही वैज्ञानिक अनुसंधान एवं त्वरित छापेमारी कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अपना दोष स्वीकार कर लिया है। बरामद की सामान जियो कंपनी का काला रंग का मोबाइल सेट, जिसमें 6,20,46,41,611 नंबर लगा हुआ है। यह सारी घटना की जानकारी एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर प्रेस को बताया। समस्तीपुर से रमेश शंकर झा की रिपोर्ट। कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां फेसबुक पर लिखी थी और उसको उसने सर्कुलेट भी किया था, जिससे एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा था। जैसे ही हम लोग को ये फोटोग्राफ मिली, तुरंत इसका हम लोग ने कॉग्निजेंस लिया और तुरंत ही हम लोग ने टाउन थाना के अंदर इसमें एक FIR दर्ज की। IT एक्ट के तहत और IPC के रेलिवेंट धाराओं के तहत मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम बना दी थी। हम लोग ने लगातार इसमें छापेमारी की और शाम तक हमने उस अभियुक्त को इसमें अरेस्ट कर लिया है। उसका हमने मोबाइल फ़ोन जब्त किया, उसके हमने जो पोस्ट थे वो भी उसमें चेक किए हैं, उसने अपना दोष स्वीकार भी कर लिया है। हम लोग इसको आज जेल भेजेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जल्दी से हम लोग डायरी लिखवा के और सारे जो वैज्ञानिक सबूत हैं इसमें वो सब हम लोग एकत्रित करके इसको जल्दी से जल्दी सजा दिलवाएं। संदेश होगा जो ऐसा ना करें। देखिए, इसमें संदेश हमारा बहुत ही स्पष्ट है कि समस्तीपुर साइबर सेल के द्वारा हम लोग 24 घंटे सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्योहारों के समय ही हम लोग निगरानी रखते हैं, हम लोग हमेशा किसी भी समय हमारी जो टीम है उस पर एक्टिव रहती है। और इस प्रकार के जब भी कोई चीज़ आपत्तिजनक चीज़ कोई भी ये डालता है, तो कोई भी अपराधी ये ना सोचे कि वो इन सब चीज़ों से बच सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर डाली गई किसी भी चीज़ का जो सबूत है वो हमेशा मौजूद रहता है और वो हम लोग अनुसंधान में बहुत हेल्प भी करता है। तो हम लोग ने इसकी गिरफ्तारी की है, सबूत हमारे पास इसमें पुख्ता है, हम लोग सजा भी दिलाएंगे और हम लोग की जो साइबर सेल की जो टीम है मॉनिटरिंग करती रहेगी। सर से उनके साथ एक मीटिंग रखी है, तो जिस भी केसेस के बारे में आप बता रहे हैं हम लोग उसका भी रिव्यू करेंगे और समय समय पे हम लोग इन सारे केसेस का रिव्यू करते रहते हैं और जो भी उसमें उचित कार्रवाई पेंडिंग होगी वो भी हम जल्दी पूरी करा देंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.